ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में चिट्टे का काला कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर युवा ही पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए युवाओं से खुलासा हुआ है कि वे रातों रात अमीर होने और शानो शौकत की जिंदगी जीने के चक्कर में वे इस काले कारोबार में जुट गए हैं। सोलन में चिट्टे का काला कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है। इस कारोबार में ज्यादातर युवा ही पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए युवाओं से खुलासा हुआ है कि वह रातों रात अमीर होने और शानो शौकत की जिंदगी जीने के चक्कर में इस काले धंधे में फंस रहे हैं। इस बार पुलिस के हाथ एक ऐसा ही युवक लगा है जो कि इसी चक्कर में युवाओं को चिट्टे की सप्लाई किया करता था। पेशे से ये युवक निजी कार कंपनी में कार्यरत है, लेकिन इस युवक के पास लग्जरी गाड़ी और शान शौकत का सारा सामान मौजूद है। एएसपी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उनकी टीम को जैसे ही युवक के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत घर पर रेड की, तो वहां पर 11.45 ग्राम चिट्टा, कुछ फॉइल पेपर और कुछ सिरिंज भी बरामद किए। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक हमीरपुर जिला का रहने वाला है और ये एक निजी कंपनी में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पिछले कल हमारी पुलिस स्टेशन सोलन की एक टीम सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के नेतृत्व में जब गश्त पे थी तो देवघाट के पास इनको सूचना मिली किसी सोर्स से कि यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम अमित है, यहीं क्वार्टर लेके रहता है और लोगों को हेरोइन वगैरह सप्लाई करता है। इस पे एक रेडिंग पार्टी बना के जब इसके क्वार्टर को रेड किया गया तो वहाँ पे 11.45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई और इसके अलावा कुछ अनयूज्ड फाइल पेपर, सिरिंजेस, ये भी वहां से रिकवर हुई हैं। इस पे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। ये हमीरपुर का रहने वाला है। बेसिकली फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।